जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज नहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की अंधेरी पर आसमान जो लिखा तार ना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, बाबूजी और मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है। क्या? तो वही कर रहा है जो वक्त का तकाजा है, हालात का तकाजा है। लेकिन सिमरन के आंसू देखकर मेरा दिल तड़पता है। Welcome to the new world of happiness and prosperity. Thank you, sir. I'm very happy to be back. और ये सब आपकी मेहरबानियों की वजह से मुमकिन हुआ है। कब मिल रही हो? Not possible. मुझे घर से बाहर कदम रखने की परमिशन नहीं है। तुम्हारी और सिमरन की शादी होकर रहेगी। तुम्हारे नसीब शमशेर खानदान से जुड़ गए हैं, तुम चाहकर भी उन्हें बदल नहीं सकते। शमशेर, यार अल्लाह का फजल और उसकी इनायत है कि तुझे ये दिन देखना नसीब हुआ है। यार बेटी की सही तरह से परवरिश और सही वक्त में उसकी शादी कर देने का सवाब एक हज के बराबर होता है। तो गुले, ऊपर वाले की मेहरबानी बस इसी तरह बनी रहे, मेरी सिमरन की मंगनी हो जाए मुझे इत्मीनान हो जाए। यारा मेरी राय तो ये है कि मंगनी वाले दिन तू वो शादी की तारीख भी पक्का कर लेना, ये काम जितना जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा होता है। तू उल्टी बात कर रहा है, जल्दबाजी तो लड़के वाले करते हैं शादी के लिए, बेटी वाले तो बस बात आगे बढ़ाते हैं। बेटी की जो डोली उठनी पड़ती है ना। अला, बात तो तूने ठीक किया, तो तू एक काम क्यों नहीं करता? तू इस बात को इतना खूबसूरती के साथ में छेड़ना कि सामने वाले को शक ही नहीं हो कि तुझे जल्दी है। ठीक है लाले, जैसे कहता वैसे करूंगा। बस दुआ कर कि मेरी बेटी की तरफ से मुझे कोई परेशानी ना हो, वो उस आरती के बहकावे में ना आ जाए। मुझे उस लड़की पे बिल्कुल भरोसा नहीं। शमशेरा, यारा तू एक नेक काम नेक नियति के साथ करने जा रहा है, उस पे भरोसा रख, बीच में कोई रुकावट नहीं आएगा, सब दुरुस्त हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चल चल चल, तू काम अभी अभी ना यारा। या मालिक, शुक्रिया। हेलो, 2 किलो लड्डू और 1 किलो बर्फी। क्या रंगोली? अरे तुम मिठाई वाले की दुकान पर क्या कर रही हो? क्या तुम मिठाई की दुकान पर नहीं हो, अपने घर पर हो? कमाल है, मैं कहीं भी किसी को भी फोन लगा दूं तुम्हारा ही फोन लग जाता है। हाँ, मोबाइल से बात कर रहे हैं, बाबूजी का है। शमशेर राज बड़ा चिल्लाते थे कि अपने मोबाइल को किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। और फिर मोबाइल पे बात करने से आदमी का कुछ ठस्सा ही और होता है। क्या मिठाई? अरे वो सिमरन बिटिया की मंगनी है ना, उसके लिए मिठाई मंगा रहा था। अच्छा रंगोली, तुम्हारी मंगनी कब होने वाली है? क्या? हाँ
आइए 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 रघुनाथ जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, आओ बेटे। ठीक है बेटी, आइए प्लीज आइए। बैठो बेटी, तशरीफ रखिए, बैठ। अरे कुत्ते, अरे भाई कोई शरबत वरबत लाओ, शरबत वरबत लाओ। और सब घर में सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है। काम धंधा कैसे चल रहा है? ऊपर वाले की कृपा है। मंदी है। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं थी? वैसे अब तो एयर स्ट्राइक खत्म हो गई है ना? शाबाश कुप्पी, शाबाश। तो क्या बारिश पड़ी है यहाँ पर, क्या मौसम बना हुआ है, एयर कंडीशनिंग की जरूरत भी नहीं है। ये तो बच्चे लोग हैं, इनकी आदतें बिगड़ी हुई। वैसे आपके हाथ में मौसम बहुत बढ़िया है। हाँ बहुत अच्छा है। बेटी आ गई, ये हमारी बेटी सिमरन है और ये हमारी बहू आरती। सिमरन इस साल ग्रेजुएशन कर लेगी। बैठो बेटी। बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी, क्यों मोहन? तो अभी एंगेजमेंट की रसम पूरी कर लेते हैं। अरे भाई इतनी जल्दी भी क्या है, आराम से कर लेंगे। राज साहब आराम का वक्त नहीं है मेरे पास, हम दोनों को कहीं बिजनेस टूर पर जाना है। आप कहते हैं तो ठीक है, मंगनी की रसम पूरी कर लेते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। लो बेटे मोहन, सिमरन को अंगूठी पहना दो। आपको दामाद मुबारक हो राज साहब। आपको, आपको बधाई। राज साहब, आप राज साहब क्यों ना आज ही शादी की तारीख भी तय कर ली जाए? है? भाई साहब ये तो आपकी ज्यादती हो गई, सिमरन तो आपकी हो गई, आराम से ले जाइएगा। आखिर सिमरन हमारी एकलौती बेटी है, हमें भी उसे विदा करने का कुछ समय दीजिए। बस आराम का समय नहीं है मेरे पास, और सब कुछ ले लीजिए। लेकिन अंकल आपको 6 महीने तो हमें देने ही पड़ेंगे। विशाल बेटे अगले महीने में 4 दिन है मेरे पास, और उन 4 दिनों में मैं आऊंगा और अपनी बहू को ले जाऊंगा। अरे आपने तो अधिकार ही जमा लिया हमारी बेटी पर। अधिकार तो बनता है राज साहब, अब शादी की तारीख पक्की हो गई, अब आप कुछ नहीं बोलते। जैसे आपकी इच्छा है, आपने कही और हमने। आपको बधाई। आपको भी बधाई हो। आपको भी बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो। राहुल, सिमरन की मंगनी की खबर तो आपको मिल गई होगी? हाँ मिल गई। उम्मीद नहीं थी कि एंगेजमेंट के लिए सिमरन राजी हो जाएगी, लेकिन लगता है उसकी हर कोशिश बेकार हो गई और उसे शमशेर राज के आगे झुकना ही पड़ा। और अगर अब भी हमने कुछ नहीं किया तो सिमरन शादी के लिए भी मजबूर हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा राहुल, हम पर भरोसा करो। तुम किसी भी तरीके से सिमरन को मिलने की कोशिश करो। मंगनी के बाद तो उसके आने जाने पर सब पाबंदी हट गई होगी। नहीं सर, उसने खुद को कमरे में कैद कर लिया है। क्यों, क्या हुआ? उसकी शादी की तारीख तय हो गई है। तुम्हें खबर कैसे मिली?
अंकल सिमरन ने मुझे खुद फोन किया था। अंकल वो बहुत घबराई हुई थी और उस जैसी लड़की के घबरा जाने का मतलब कि मामला बहुत संगीन है। उसे हल करने के लिए संगीन कदम ही उठाना पड़ेगा। बोलो तैयार हो? किस बात के लिए? हर बात के लिए। जान देने के लिए, जान लेने के लिए, जिंदगी दांव पर लगाने के लिए। बोलो तैयार हो? हाँ अंकल मैं तैयार हूं। शाबाश, यही कॉन्फिडेंस मैं तुम्हें देखना चाहता। लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि मुझे करना क्या होगा। तुम सिमरन को लेकर यहां से फरार हो जाओ। फरार? ये अच्छा हो गया, एंगेजमेंट बगैर किसी प्रॉब्लम के हो गई। आई एम सो हैप्पी फॉर बाबूजी। उनकी एक और जिम्मेदारी पूरी हो गई। जब वो परेशान होते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती है। शादी के बाद जब सिमरन परेशान होगी ना, तब तुम्हें और बाबूजी दोनों को बहुत तकलीफ होगी। वो तुम फिर शुरू हो गई। अब सिमरन की मंगनी भी हो गई है। अब तो तुम्हें राहुल का नाम तक भूल जाना चाहिए। अगर तुम इसकी बात दोहराती रही तो सिमरन कैसे भूल पाएगी? ये बात यादों को भुलाने के लिए नहीं है विशाल, ये बात फ्यूचर की खुशियां और सुख को पाने की है। वो जो मोहन है वो सिमरन के लिए एक अजनबी है। सिमरन ने तो उसका चेहरा तक नहीं देखा ठीक से कम उन दोनों को एक दूसरे को जानने और पहचानने के लिए मौका तो दिया जाना चाहिए था। लेकिन तुमने और बाबूजी ने शादी की तारीख तक तय कर दी। तो और क्या करते भाई, वो लोग बड़े बिजनेसमैन हैं, समय नहीं है उनके पास। अगर मोहन को सिमरन पसंद आई है तो वो रुक सकता है, समय ना होने पर भी वो समय निकाल सकता है। विशाल मैं तुमसे एक बार फिर कह रही हूँ, सिमरन की शादी के मामले में जल्दबाजी मत करो, शादी की तारीख आगे बढ़ा दो प्लीज। क्या होगा उससे, क्या होगा उससे? राहुल को भुलाने के लिए सिमरन को कुछ समय मिल जाएगा, वो मोहन को समझ लेगी, पहचान लेगी। मेरे ख्याल से ये जरूरी नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो विशाल? जिस शख्स के साथ वो जिंदगी का लंबा सफर तय करने वाली है उसको जानना समझना और पहचानना जरूरी नहीं है? शादी के बाद हर लड़की खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है आरती। ये तुम नहीं कह रहे, तुम्हारे अंदर का वो पुरुष बोल रहा है जो ये समझता है कि दुनिया उसी की बनाई हुई है आरती, और उसी के इशारों पे चलती है। ये कोई महिला मंडल की मीटिंग नहीं है जहां तुम अपने फेमिनिस्ट विचारों पर भाषण दो। ये मेरा घर है, यहां वही होगा जो इस घर के मत सही समझेंगे। Don't do this, Vishal. Shut up and go to sleep. अब तो ये हर रोज का तमाशा बन गया, आखिर इसका अंजाम क्या होगा? मियां बीवी में नोकझोंक तो होती रहती है, आप देखा क्यों परेशान होते हैं? हम परेशान नहीं हैं गायत्री, हम दुखी हैं। हमारे घर की औरत की आवाज कमरे की चार दीवारी के बाहर तक नहीं पहुंचती थी कभी, लेकिन अब हमारी बहू सिर्फ अपने पति की बराबरी ही नहीं करती बल्कि चिल्लाते हुए उसे इतना लिहाज भी नहीं कि उसकी आवाज घर के बड़ों तक पहुंच रही है। जमाना बदल चुका है जी, पुराने संस्कार और परंपराएं हर जगह दम तोड़ रही हैं। हमें मान लेना चाहिए कि हमारा वक्त गुजर चुका है। हमारा वक्त नहीं गुजरा है गायत्री, तब तक हम जिंदा हैं ये वक्त हमारी शान और हमारी इज्जत का गवाह है, हम इस वक्त को कैसे गुजरने दें? नए जमाने के बच्चे नए ख्यालात, नई सोच, नए संस्कारों में विश्वास रखते हैं, वो हमारी बातों को नहीं मान सकते। इसलिए जो गुजर रहा है गुजर जाने दीजिए, जो हो रहा है उसे कबूल करना सीख लीजिए। नए जमाने की हवा इस घराने को छू भी नहीं पाती अगर आरती के कदम इस घर में ना पड़े होते। हमें मरते दम तक अफसोस होगा कि हमने उसे बहू बनाना मंजूर कैसे कर लिया। अब हमें हमारी खुशी से ज्यादा
अपने बच्चों की खुशी प्यारी होनी चाहिए। विशाल आरती के साथ बहुत खुश है, बस यही हमारे लिए काफी है। गायत्री, इस खुशी की उम्र बहुत छोटी है, बहुत। विशाल को बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा कि आरती का इस घर में आना इस घर की तबाही का आगाज है, जिसका अंजाम शायद आने वाली नस्लों को भुगतना पड़े। आज मौसम कितना खुशगवार है, हवा कितनी खुशबूदार है, और एक आप है कि अभी भी सोगवार है। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, झूठ मूठी सही। मैं कुछ सोच रही थी। हाँ, आज के दिन सोचना मना है, पर लेकिन अगर आपने कुछ सोच ही लिया है तो आप बता दीजिए कि आपने क्या सोचा। कभी वो शेवंती नाम का एक फूल है, मैं जब भी शिव जी के मंदिर जाती हूँ वो फूल उनके चरणों में जरूर चढ़ाती हूँ। आज मैं फूल ले जाना ही भूल गई। तो कोई बात नहीं है, तुम भगवान को सूरी बोल देना। ऐसो आ रहा है भाई, सूरी सूरी नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता कुप्पी। मैं खाली हाथ मंदिर नहीं जा सकती। अब मेरी सहेली अखर यहाँ नजदीक में है और उसके गार्डन में बहुत सारे शेवंती के फूल हैं। मैं कुछ ले आती हूँ, ठीक है? हाँ। लेकिन बाबूजी ने कहा है कि तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल ना होने दूँ। मैं कहाँ तुम्हारी नजरों से ओझल हो रही हूँ, यहाँ नजदीक में तो है। ठीक है, मैं अभी गई और अभी आई। एक मिनट, जल्दी वापस आओगी ना? हाँ, हम यहीं बैठे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। ठीक है। हाँ, बैठे रहे। मैंने तुम्हें बहुत बार फोन किया लेकिन हर बार तुम्हारे बजाय किसी और ने फोन रिसीव किया। किसी को पता तो नहीं कि हम यहां मिल रहे हैं? नहीं, लेकिन राहुल, हर गुजरता दिन हमें एक दूसरे से दूर करता जा रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे। तुम भाभी और माँ को समझाती क्यों नहीं कि वो बाबूजी को मनाने की कोशिश करें? मैंने समझा कर थक गई। मुझे नहीं लगता कि बाबूजी या भैया मेरी खुशी की परवाह करेंगे। तो फिर सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है सिंह, लेकिन मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जाना नहीं चाहता था। कौन सा रास्ता? क्या तुम अपना घर छोड़कर मेरे साथ चलोगी? हाँ, चलूंगी। सोच लो सिमी, फैसला करना बहुत आसान है, ऐसा ना हो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मैं कुछ सोचना नहीं चाहती राहुल, अगर मैं सोचूंगी तो मैं फैसला नहीं कर पाऊंगी। कहो कब चलना है? मैं कल तुम्हें फोन करूंगा। मैं इंतजार करूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ा? नहीं नहीं, वहां कुप्पी इंतजार कर रहा है। मैं अपने खानदान की इज्जत दांव पर लगाने जा रही हूँ। माँ और बाबूजी के साथ विश्वासघात कर रही हूँ, भैया के साथ धोखा कर रही हूँ, आप सबके प्यार और ममता के चेहरे पर तमाचा मारने जा रही हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी सूर्य, आप ही बताइए भाभी मैं क्या करूं? सर उठा के हालात का सामना करो, अपने हक के लिए उस वक्त तक लड़ो जब तक तुम्हें अपनी मर्जी से जाने के लिए वो मान न जाए। मैं अकेली हूँ भाभी, और अकेला इंसान बहुत कमजोर होता है। तुम्हारे पास सच्चाई की ताकत है सिमरन, तुम कभी कमजोर नहीं हो सकती। और फिर उस दिन चोर की तरह घर से भाग जाने की सलाह मैं कभी नहीं दूंगी तुम्हें। मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं भाभी, और मैं किन से लड़ूं? उनसे जो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, जिनके सामने अपनी खानदान की झूठी अहंकार के सिवा जिंदगी का कोई मोल नहीं। नहीं भाभी नहीं, अगर मैं लड़ते लड़ते मर भी गई ना तब भी मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुँचेगी।
सिमरन, ये तुमने मुझे किस कश्मकश में डाल दिया है? आप मेरे जज्बात का अंदाजा नहीं लगा सकते भाभी। मैं एक ऐसे दोहराए पर आकर खड़ी हूँ जहाँ से एक रास्ता मोहन के घर तक जाता है, जहाँ मुझे जिंदगी भर एक पत्नी होने का ढोंग रचना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता राहुल की तरफ जाता है, जहाँ बदनामी और रुसवाई के साए हमेशा तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। लेकिन उस रास्ते की मंजिल वहाँ है जहाँ सुख है, प्यार है, सच्चाई है। अब आप ही बताइए भाभी, मैं कौन सा रास्ता चुनूं? तुम मुझसे क्या चाहती हो सिमरन? इस घर की दहलीज पार करते वक्त मेरे कदम लड़खड़ा जाएंगे, बस तभी आप मेरा हाथ थाम लीजिएगा और अपनी ममता का आंचल मेरे सर पर डाल दीजिएगा, ताकि मेरा सफर आसान हो जाए। प्लीज भाभी, प्लीज।